एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हम आपके साथ शेयर करने चाहते हैं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बिनी एंड वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये एशिया कप 2023 के मैचेस देखने के लिए इन्होंने पहले से था, इनका इमकान था कि ये आएंगे और ये अब लाहौर पहुंच चुके हैं। वाघा बॉर्डर से ये लाहौर में आए हैं। ये बहुत ही खुश आइन बात है पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट के लिए। लाहौर के एक होटल में इनको रखा गया, वहां पर इनकी खूब खिदमत वाजो होगी, बहुत सिला प्यार दिया जाएगा इनको पाकिस्तान की तरफ से और बहुत इनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इंडिया से कुछ दोस्त हमारे कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, लेकिन आपको बताते चले इनकी बहुत अच्छी खुद खातर खिदमत की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, बहुत ही अच्छी हम इनकी ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। ये ऐसे ही है, जब पाकिस्तान की तरफ से कोई इंडिया जाता है और इंडिया के लोग वहां से बहुत प्यार देते हैं, बहुत खिदमत खातर करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी उनको प्यार मोहब्बत देंगे। ये मसला पाकिस्तान की सिर्फ सियासत को छोड़ के हर जगह, जब वहां से कोई एक्स क्रिकेटर या कोई इस तरह के एक दूसरे में बहुत प्यार देखने को मिलता है। 15-16 की बात है या उसके बाद की बात है, जब शरियार गए थे पीसीबी के चेयरमैन, इंडिया गए थे और इंडिया ने वहां बुलाया था, वहां पे गए थे तो पाकिस्तान के काफी लोगों ने तनकीद की थी, भाई आप क्यों जाते हैं वहां जब वो यहां पे नहीं आते, तो आप लोग वहां पे क्यों जाते। दावत ही देने गए थे और उनकी दावत कबूल हुई और आज बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। यहाँ पे रुकेंगे, एशिया कप 2023 के ये मैचेस देखेंगे। ये एक बहुत ही खुश आइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट और इंडिया क्रिकेट के लिए, क्योंकि एक कदम इंडिया की तरफ से ऐसा बढ़ाया गया। इतना ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता इंडिया की तरफ से, सॉरी टू से मेरे इंडियन फैंस जितने भी देख रहे हैं उनकी तरफ से इतना वो नहीं देखने को मिलता पाकिस्तान के हक में, या जय शाह को ही देख लें आप। लेकिन एक बात काफी हद तक समझ आ गई, राजीव शुक्ला और जो जय शाह हैं उनके बीच में वो एक पॉइंट पे मुझे कहीं नहीं लगते। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने तौर और तर्क के लिहाज से बता रहा हूँ, क्योंकि उनके उनकी बातों में उनके लहजे में पाकिस्तान के लिए काफी सख्ती देखी जाती है, जबकि ये लोग बड़ी खुशी खुशाइन तरीके से पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान का ये मैचेस देखेंगे। यहाँ पे इंडिया की तरफ से रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला आए हैं, वो अपनी पार्टिसिपेशन दिखाना चाहते हैं इस एशिया कप में, और पीसीबी ने एक डिनर भी रखा है जो कि होटल में ही होगा, जिसमें पाकिस्तान की टीम, बांग्लादेश की टीम और अफगानिस्तान की टीम भी शिरकत करेगी और वो इकट्ठे बैठ के। ये बहुत खुशाइन बात है कि उनके राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी के मुंह से उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं कि पाकिस्तान एशिया कप 2023 का होस्ट है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। ये बात सुनने में हमें बहुत खुशी हुई जब उनके अल्फाज से ये मिले, क्योंकि बाकी तरफ जय शाह और बाकी लोग भी हैं वो तनकीद, और तो कहीं ना कहीं इस बात को मैं मिलाना चाहूंगा चैंपियन ट्रॉफी के साथ, क्योंकि कुछ लोग अब देखें दोनों तरफ ऐसे लोग होते हैं जो सुनने को आता था कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लिख के ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वही लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं, इनका और कोई काम नहीं है, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया एक हो, सिर्फ और सिर्फ नफरत की बातें करते हैं। अब चैंपियन ट्रॉफी जो इंशाल्लाह पाकिस्तान में होनी है उसके बारे में भी जब ये बातें होंगी तो ये लोग यही कहेंगे, नहीं भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, होने नहीं देंगे, ये कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं इन लोगों को, और ये बस नफरत अंगेज बातें ही कर सकते हैं। लेकिन इनकी तरफ से जब ये बात सुनने को मिली, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में होस्ट कहा कि पाकिस्तान 2023 का होस्ट है, तो ये कहीं ना कहीं चैंपियन ट्रॉफी के साथ हमें करते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है। जब आपका मैच होता है तो स्टार स्पोर्ट और ब्रॉडकास्टर कहते हैं कि आप पाकिस्तान को अलग नहीं कर सकते, हमने पाकिस्तान इंडिया के मैच देखने हैं, तो आपको फिर करना पड़ता है। इसी तरह आईसीसी है, जिस आईसीसी ने ये कह दिया कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, तो इसका मतलब है होनी है, वो किसी एक बंदे या एक टीम की वजह से वो वेन्यू चेंज नहीं किया जाएगा, और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के हालात ठीक रहे और इसी तरह चलते रहे और पाकिस्तान में ये मैच हो। अगले एक दो दिनों तक आपको बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चरें देखने को मिलेंगी, पाकिस्तान इंडिया चेयरमैन इकट्ठे होंगे, खुश आइन माहौल में होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए वो तस्वीरें आएंगी, और इसी तरह हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया की तरफ एक कदम आगे बढ़े और पाकिस्तान इंडिया की मैचेस हों, सीरीज हों आने वाले मुस्तकबिल में, क्योंकि क्रिकेट फैंस हैं वो ना पाकिस्तान के ना वो इंडिया के, वो क्रिकेट फैन है, वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, विराट के, बाबर के, वो किसी के फैन नहीं है, वो सिर्फ क्रिकेट के फैन है। तो जो क्रिकेट का फैन होता है वो अच्छे प्लेयर को सपोर्ट करता है, वो अच्छे मैच को सपोर्ट करता है, तो हमने अच्छा मैच देखना है, अच्छा स्पोर्ट देखना है। और यहाँ पे ही बताते चले, पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं मिस कर सकता, वो उसको पाकिस्तान को इंडिया में जाने ही पड़ेगा, चाहे जितने ही मर्जी पॉलिटिकल हालात खराब हो। इसी तरह चैंपियन ट्रॉफी इंडिया मिस नहीं कर पाएगा, चाहे जो मर्जी उनका प्रेसिडेंट के हैं, उनके पीएम के हैं, वो खेलना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, और हम और आप एक दफा फिर यूं ही किसी नए टॉपिक के साथ मिलें।